नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एस्ट्रोलॉजी और करियर प्रेडिक्शन के विनय बजरंगी के पेज पर। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे जो बाद में ये कहते हैं, काश मैंने ये किया होता, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मैंने उस समय जो है दूसरी चुन ली और मैं अपने जीवन के अंदर वो जो सक्सेस है उसको सही प्रकार से लेकर नहीं आ पाया। ये जो काश वाला एलिमेंट है, ये बहुत सारे लोग बहुत बार अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं। मेरे पास तो आते ही हैं और कहते हैं कि मेरे पास ये ऑप्शन था, मेरे पास वो ऑप्शन था, लेकिन अपने करियर के अंदर मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं चुना और इस कारण से जो है मैं पीछे रह गया या फिर मैं वो वाला रिजल्ट नहीं दे पाया जो कि नॉर्मली मिल सकता था। करियर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से करियर प्रडिक्शन इस पन्ने का मुख्य ध्येय है। जब आप इस पन्ने पे आएंगे तो मैं आपको करियर कंसल्टेशन दूंगा एस्ट्रोलॉजिकल आयामों पे, एंगल्स पे आके बर्थ चार्ट के माध्यम से, और बर्थ चार्ट के अंदर भी आपके वो डिविजनल चार्ट्स जो कि आपकी पूरी की पूरी एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अंदर खड़े उतरते हों, उसके हिसाब से मैं आपको करियर बताऊंगा कि आपका करियर क्या होता है। दैट मीन्स राइट या बेस्ट करियर सिलेक्शन एज पर योर बर्थ चार्ट होगा ही होगा यदि आप जो हैं इस पन्ने पर मेरे द्वारा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हर कुंडली के अंदर सक्सेस योग होता है, धन योग होता है, लक्ष्मी योग होता है, लेकिन वो जो चाबी होती है वो कहीं छुपी होती है हॉरोस्कोप के अंदर। अब सिंपल सी बात यह है कि 90% लोग अपना जो करियर है उसके माध्यम से ही धन या लक्ष्मी योग को एक्टिवेट करते हैं। 10% को तो जो है विरासत के अंदर बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन यदि आप लोग जो है वो अपने करियर के प्रति बहुत चिंतित हैं तो ये देखा जाता है कि कौन से करियर से वो जो लक्ष्मी योग या धन योग है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो उसके अंदर बहुत बार क्या होता है कि आप जिससे अपने आप को सही प्रकार से जो है वो बता सकें, मार्केट के अंदर अपने आप को रिफ्लेक्शन सही कर सके, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं या फिर आप एथलेटिक्स में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, या आपका रुझान जो है वो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ होगा या टेक्नोलॉजी की तरफ होगा या पॉलिटिक्स की तरफ होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके कुंडली के माध्यम से पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा पहले आ जाए मेरे पास, यानी कि जब आप 9th 10th में पढ़ते हो, तो मैं आपके धन योग के हिसाब से आपकी एजुकेशन भी कर पाऊंगा। यानी कि मैं जो हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर और एज अ करियर एस्ट्रोलॉजर फॉर दैट मैटर, आपके वो सब्जेक्ट्स बताऊंगा जो कि आपके करियर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप फिर वैसे नहीं होंगे कि आपने पढ़ी तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लेकिन आप MBA करके कुछ सामान बेच रहे हैं, आपने पढ़ी तो सिविल इंजीनियरिंग लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी आपने वो टाइम वेस्ट कर दिया। वहां पर आपने कुछ अच्छा पढ़ा होता, अपने जो काम कर रहे हैं उसके मुताबिक पढ़ा होता, तो निश्चित तौर से आपके रेज्यूमे में वो एक एक अच्छी लीफ के रूप में आता। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन की प्रडिक्शन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है एज पर योर हॉरोस्कोप। यदि आप सही समय पे 9th 10th के समय आ जाएं तो 11th में आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन पर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यदि आप 12th में आते हैं तो आपको कौन से कोर्स में अंडर ग्रेड करना है या फिर ग्रेजुएशन करनी है वो बता सकता हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं, वो जॉब और बिजनेस के बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि जॉब करूँ या बिजनेस करूँ। एक बार आप जो हैं वो अपनी हॉरोस्कोप मुझे दीजिए तो मैं ये देखूंगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो धन योग है या लक्ष्मी योग है वो इम्प्लॉयी हो के फलित हो रहा है या इम्प्लॉयर बन के फलित हो रहा है, यानी आप जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। यदि इस बारे में आपको सही प्रकार से समय पर पता लग जाए तो निश्चित तौर से आपको परेशानी जो है वो कभी भी नहीं आती। बहुत बार हम जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब के लिए या हमारे परिवार वाले पीछे पड़े रहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब कर, हमारी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं। बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि UPSC क्लियर हो जाएगा, IAS बन जाएंगे, PCS बन जाएंगे, 2 4 5 7 साल जो है लगे रहते हैं लेकिन अंतोगत्वा होता कुछ नहीं है। और प्रॉब्लम ये होती है कि उसके बाद समय निकल जाता है, जो जितने उनके सहपाठी थे उस समय के वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं और अपने बहुत ज़्यादा जूनियर्स के साथ उनको जो है अपना
करियर स्टार्ट करना पड़ता है, तो एक सेटबैक लग जाता है, एक कांस्टेंट मेंटल ट्रॉमा के अंदर वो लोग रहते हैं। समय पर यदि आप हॉरोस्कोप पढ़वाएं अपना, तो मैं ये बता सकता हूं कि गवर्नमेंट जॉब का योग है कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब का योग जो है वो कितना प्रगाढ़ता, यानी कितनी आप स्ट्रेंथ के साथ है, यानी कि IAS PCS लेवल का है या फिर सेक्शन ऑफिसर्स के लेवल का है या फिर किसी और लेवल का है, क्लरिकल ग्रेड का है। तो UPSC IAS PCS यदि आपके दिमाग में हो तो कुंडली को एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं लेकिन सेटिस्फाइड नहीं है, सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, जॉब में इश्यूज आ रहे हैं, और ये जॉब के जो इश्यूज हैं वो निरंतरता के साथ आ रहे हैं। नौकरी से निकल रहे हैं, निकाला जा रहा है, स्थान परिवर्तित कर रहे हैं लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ पेज कहीं ना कहीं ढीला है। आइए मैं आपका हॉरोस्कोप पढ़ता हूं और उस पेज को टाइट करने की कोशिश करता हूं। एक बार वो पेज टाइट हो जाएगा तो करियर के अंदर आने वाले जो इश्यूज हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और फिर आपके लिए जॉब चेंज करना, प्रमोशन ले पाना जॉब के अंदर, ये सब का सब जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस पन्ने के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं। मेरा और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरी वेबसाइट पे इन पन्ने पे आए हैं तो इनके जो सब पेजेस हैं, जो अंदर के पेजेस हैं, वो भी जरूर पढ़ें। अधिकांशतः क्वेश्चंस आपकी बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, और मैं बैठा हूँ एज अ करियर काउंसलर, एज अ करियर एस्ट्रोलॉजर, आपको ये बताने के लिए और आपको ये कंसल्टेशन देने के लिए कि व्हाट इज योर बेस्ट करियर फॉर दैट मैटर। तो फिर आपका स्वागत है, इस पे टाइम लगाइए इस पढ़ने के ऊपर। आप मेरी YouTube के वीडियोस को लाइक करिए और जो इस पन्ने पे आप निरंतर आते रहिए, क्योंकि यदि आप अपने करियर के डेवलपमेंट स्टेज पे हैं तो हो सकता है कि साल दो साल में आपको मेरी ज़रूरत पड़ती रहे, चेंजेस के समय, प्रमोशंस के समय, राइट। अगर आपको कहीं पर शिफ्ट करना है या फिर आपको अपना जॉब का स्थान चेंज करना है उसके लिए, ओवरसीज जाना हो उसके लिए, तो आपको जो है वो आपके करियर के अंदर मैं सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार बैठा। नमस्कार।